सो हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन टैग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इसे पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन टैग्स के सारे रूल्स और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा के बताने वाला हूं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन टैग। एक्चुअली जहां तक हम लोग इनमें देख पा रहे हैं, इसमें दो शब्द हैं, एक है क्वेश्चन और एक है टैग। क्वेश्चन का मतलब क्या, प्रश्न, मतलब हम लोगों से कुछ जानना चाहते हैं तो उसे प्रश्न पूछते हैं। और टैग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब भी हम किसी हिंदी के सेंटेंस में या इंग्लिश के सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द जोड़ते हैं जिसमें हमारा सामान्य वाक्य क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्वेश्चन टैग कहते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ना। देखिए, आपको मैं पहले कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ही इज अ टीचर, और एक सेंटेंस लिखा मैंने ही इज नॉट अ टीचर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों असर्टिव सेंटेंसेस हैं, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। ही इज अ टीचर, इसका मतलब होता है वह एक शिक्षक है, और ही इज नॉट अ टीचर, इसका मतलब होता है वह एक शिक्षक नहीं है। इन दोनों सेंटेंसेस में मैं आपसे कुछ पूछ नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं। मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मुझे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे करना पड़ेगा इसके आगे टैग। और देखिए यहां पर मैं लगाऊंगा इजंट ही, और यहां पर मैं लगाऊंगा इज ही, और यहां पर लगाऊं मैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जरा ध्यान से, ही इज अ टीचर, इजंट ही, जब तक ये सेंटेंस यहां तक था ये एक असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन जैसे ही मैंने ये जोड़ा, टैग किया, अब ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो जिस चीज के जुड़ने से हमारा सेंटेंस असर्टिव से इंटरोगेटिव हो गया, उसको हम लोग कहते हैं टैग, दैट इज क्वेश्चन टैग। अब उसी तरीके से यहां भी देखिए, ही इज नॉट अ टीचर, इज ही, अगेन ये एक असर्टिव सेंटेंस है, और इस असर्टिव सेंटेंस में जैसे ही मैंने एक टैग जोड़ा, ये असर्टिव से बदल के इंटरोगेटिव हो गया। अब अगर आप इन दोनों में कंपैरिजन करें तो पता चलेगा कि आपने असर्टिव सेंटेंस में एक टैग जोड़ा और आपका सेंटेंस बन गया इंटरोगेटिव। लेकिन आप शायद एक दो चीज और ध्यान दे पा रहे होंगे, ये एक पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस है और ये एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है। तो ये पॉजिटिव है और यहां पर मैंने इजंट लगाया है, दैट इज नॉट, इजंट इज इक्वल टू इज नॉट, और यहां पर एक नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस है जो आप देख पा रहे हैं, आपने एक पॉजिटिव टैग दिया है। इसका मतलब ये कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को ध्यान से देखिए, और इन्हीं पर आधारित है हमारा पूरा चैप्टर क्वेश्चन टैग। सबसे पहली चीज आपने क्या देखा, आपने देखा आपके पास एक असर्टिव सेंटेंस है जो कुछ बता रहा है, और आपने उसके बाद क्या देखा, आपने उसमें कुछ टैग किया, यानी अलग से कुछ जोड़ा, और उसको जोड़ते ही अब ये बताने की जगह पूछ रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं क्वेश्चन टैग। लेकिन फिर आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव है, और सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है। चलिए अब इसके आगे हमें कुछ और चीजें जाननी है कि ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनसे हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता है। चार पांच चीजें आपको अगर पता होंगी तो
तो आप उसके बाद क्वेश्चन टैग आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये अंतर जानना सीखिए कि आपका नेगेटिव सेंटेंस किन किन शब्दों से बनता है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो उसमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है? तो देखिए ध्यान से, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नोबॉडी, नो वन, नन, इसके अलावा लिटिल, फ्यू। एक चीज ध्यान रखना है, अ लिटिल और अ फ्यू पॉजिटिव होते हैं, जबकि बिना ए के अगर लिटिल और फ्यू आता है तो नेगेटिव होता है। इसके अलावा सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इसके अलावा नाइदर, नॉर, ये जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ये वर्ड्स सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे शब्द अगर उपयोग में लाए जाए तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव बन जाता है। अगर मेरे सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिखा नोबडी नोज यू, अगर आपसे कोई पूछे ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है तो आप बताइए नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है। तो अगर आपका सेंटेंस कोई भी इनमें से शब्द कंटेन किए हुए है तो आपका सेंटेंस नेगेटिव माना जाएगा। अब एक चीज समझिए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग क्या होता है? नेगेटिव होता है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब आप जरा गौर करिए कि सेंटेंस पॉजिटिव, टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव और टैग पॉजिटिव, तो ये सारे वर्ड्स अगर इसमें लगे होंगे तो टैग हमेशा आपको क्या लगाना है? पॉजिटिव लगाना है। अब टैग लगता कैसे है, आइए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि हम टैग कैसे लगाते हैं। देखिए, जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस की बनावट कैसी होती है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स, ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस हुआ। कुछ जगहों पर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। अब आपको टैग लगाना है तो ये बताइए ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो टैग क्या लगेगा? नेगेटिव टैग लगेगा। कैसे लगेगा नेगेटिव टैग? तो पहले इस हेल्पिंग वर्ब को यहां लेके आइए और देखिए कि क्या इसमें कोई दूसरा ऐसा शब्द लगा है क्या जो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है? नहीं लगा हुआ है। सेम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स में कोई भी ऐसा शब्द अगर नहीं है जो सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है तो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव टैग लेगा। और वो नेगेटिव टैग कैसे होगा? देखिए, हेल्पिंग वर्ब आया, अब इसके आगे आपको लगा देना है एंटी। क्या लगा देना है? एंटी। और अगेन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहां पर लिख देना है। लेकिन आपको सावधानी कहां कहां बरतनी है ध्यान से देखिए। अगर ये सेंटेंस जो है ये जो सब्जेक्ट है ये कोई पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। तो ये ज्यों के त्यों लिखे जाएंगे, ठीक है, एज इट इज लिखे जाएंगे, यानी कि नो चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं देखिए ध्यान से, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर यूज किए गए हैं तो आपको कोई चेंज नहीं करना, आप इन्हें ज्यों करते हो लिख सकते हैं। और ये रूल चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सब्जेक्ट के लिए है तो दोनों में ये यूज होगा। लेकिन अगर कोई नाउन हो
तो आपको यहां पे सुटेबल प्रोनाउन यूज करना है। अब सुटेबल प्रोनाउन का मतलब क्या, तो नाउन की कैटेगरी क्या हो सकती है, सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या नॉन लिविंग हो सकता है। अब देखिए, अगर वो प्लुरल होगा तो चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे नॉन लिविंग हो, आपको दे लगाना है। अगर मैं यहां लिखूं बॉयज तो भी दे, गर्ल्स तो भी दे, पेंस तो भी दे, लेकिन अगर सिंगुलर हुआ तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर के हिसाब से लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और नॉन लिविंग होगा तो इट लगाएंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होगा तो एज इट इज, और अगर कोई नाउन होगा तो प्लुरल के लिए दे, और सिंगुलर के लिए ही, शी और इट लगाएंगे। इसके अलावा भी रूल्स होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट केवल यहीं तक सीमित नहीं होते हैं। जैसे दिस और दैट के लिए इट लगाते हैं, दिस और दोज के लिए दे लगाते हैं, वन के लिए वन रखते हैं, देयर के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे। मैंने बस आपको एक आइडिया दिया, बेसिक तौर पर एक आइडिया दिया कि अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर कोई पर्सनल प्रोनाउन हो तो उसको बिना चेंज किए आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे सब्जेक्ट की जगह पर कोई नाउन हो तो अगर वो प्लुरल है तो यहां पर दे लिखेंगे, और अगर सिंगुलर है तो ही, शी और इट लिखेंगे। इसके अलावा जो भी स्पेशल रूल्स हैं हम लोग इसके बाद बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब है, अदर वर्ड सब्जेक्ट, कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो टैग हमने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया, यानी इसमें नेगेटिव नहीं होगा तो यहां नेगेटिव होगा, और यहां नेगेटिव होगा तो यहां नेगेटिव नहीं होगा। अब देखिए इसमें आपको और क्या जानने की आवश्यकता पड़ सकती है, अगर आपने यहां इज लिखा तो आप यहां इजंट लिखते हैं, आपने यहां आर लिखा तो आप यहां आरंट लिखते हैं, लेकिन अच्छा अगर आपने यहां पर हैव लिखा तो आप यहां हैवंट लिखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, अगर आपने एम लिखा तो आप एमंट नहीं लिख सकते हैं, एमंट लिखना गलत होता है, आपको लिखना होता है आरंट। क्या लिखना होता है, आरंट। हां ये अलग बात है कि अगर एम नॉट होगा तो एम लिखेंगे, लेकिन एम रहेगा तो एमंट नहीं होता, ये गलत होता है, आरंट होता है सही। ठीक, इसके अलावा और कहां कहां आपको दिक्कत होगी, देखिए अगर यहां पर विल हो तो इसको वॉन्ट लिखते हैं, अगर शैल हो तो शैंट लिखते हैं, विल को विलंट नहीं लिखते हैं, शैल को शैलंट नहीं रखते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी ने कहा विलंट या शैलंट तो ये गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा और कहां दिक्कत होगी आपको, आपको दिक्कत होगी V1 में, V2 में और V5 में, क्योंकि V1, V2, V5 नॉर्मली बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज किए जाते हैं। तो V1 के लिए आपको लगाना होता है डोंट, V2 के लिए लगाना होता है आपको डिडंट, और V5 के लिए लगाना होता है डजंट। लेकिन प्रॉब्लम यहीं तक नहीं सॉल्व होगा, आपको आगे भी समझना होगा, जैसे नीड और डेयर में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग आगे भी नीड और डेयर, इन सब चीजों पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। जो हमारा जनरल रूल है, पहले हम लोग जनरल रूल पर बात करेंगे।